ये साबूदाने की खिचड़ी एकदम खिली खिली और स्वाद भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इस नवरात्रि ये साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है। दो तीन बार पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे 3 घंटे पानी में भिगो के रखा था, और ये देखिए साबूदाना अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है और ये एकदम आसानी से मैश हो रहा है, ये देखिए। तो एक कप साबूदाने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया था। ध्यान रहे कि आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो साबूदाना जो है पानी सोक करेगा और साबूदाने की खिचड़ी आपकी खिली खिली नहीं बनेगी। तो बिल्कुल इस तरीके से साबूदाना फूल कर तैयार होना चाहिए, तभी खिचड़ी एकदम सही बनेगी। अब ये प्रूव करने के लिए कि साबूदाना आराम से अलग अलग बनेगा, मैं यहाँ पर नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी गरम किया है। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को पहले अच्छी तरह गरम हो जाने दें। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, तो ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाला है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। इसके साथ मैंने डाली है मूंगफली। मूंगफली को हल्का सा भून लें, तो गैस का फ्लेम धीमा कर ले और धीमी आंच पर इसे भूने। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1 से 2 मिनट लगेंगे मूंगफली को भूनने में। उससे ये क्रिस्पी हो जाएगी और खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा क्रिस्पी मूंगफली का। आप यदि व्रत में कड़ी पत्ता खाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल रही हूँ। धीमी आँच पर इसे हल्का भून लें। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 उबला हुआ आलू। तो यहाँ पर आलू को मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में रखा है। इसे भी हल्का सा भून ले, उससे ये क्रिस्प हो जाएंगे और खिचड़ी में स्वाद बहुत अच्छा आएगा क्रिस्पी आलू का। तो इस स्टेज तक हमने गैस का फ्लेम धीमा रखा था, अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे ये भिगोया हुआ साबूदाना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मूँगफली का पाउडर। मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे फटाफट से चला लेंगे जब तक कि साबूदाना जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। तो इसे लगातार चलाते हुए आप ऐसे मिक्स कर ले। तो मैं यहाँ पर इस व्रत वाले साबूदाने की खिचड़ी में सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए बस फटाफट से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस साबूदाना भिगोते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें। यदि आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो साबूदाना जो है पानी सोक कर लेगी और खिचड़ी आपकी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो यदि आपने साबूदाना 1 कप लिया है तो आप पानी की क्वांटिटी 3/4 कप रखें, तभी साबूदाने जो है एक एक अलग और खिचड़ी जो है अच्छी बनेगी। तो बस ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब देखिए मैंने नॉनस्टिक पैन यूज़ नहीं किया था, तो ये हल्का सा चिपकेगा तो ज़रूर। यही अगर मैंने एक नॉनस्टिक पैन यूज़ किया होता तो ये साबूदाना बिल्कुल नहीं चिपकता। लेकिन ठीक है, आप देख सकते हैं कि देखिए एक एक दाने अलग है और खिचड़ी चिपकी चिपकी सी भी नहीं बनी है। तो बस बनके तैयार है ये हमारी बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और मैंने इसे थोड़े से हरी धनिया से गार्निश कर दिया है। चलते हैं अब इस खिचड़ी को सर्व करने के प्रोसेस में। तो आप देख सकते हैं साबूदाने की खिचड़ी जो है एक एक अलग अलग दिख रही है और बिल्कुल भी चिपकी चिपकी सी नहीं बनी है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बस आपको साबूदाने को भिगोने का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये हमारी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार है। आप इस नवरात्रों में ये साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।